वेलकम फ्रेंड्स, अजय देवगन की ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर की शूटिंग पिछले महीने ही शुरू हो गई थी। इसकी जानकारी देते हुए हमने बताया था कि फिल्म में अजय देवगन के साथ ही सैफ अली खान और काजोल भी हो सकते हैं। अब यह खबर लगभग कंफर्म है। खबर है कि सैफ अली खान इस फिल्म में छत्रपति शिवाजी महाराज का किरदार निभाएंगे। फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर छत्रपति शिवाजी महाराज के मित्र और सैन्य सूबेदार तानाजी मालुसरे की बायोपिक है, जिसमें अजय देवगन लीड रोल प्ले कर रहे हैं। अजय देवगन ने सैफ अली खान के लिए छत्रपति शिवाजी का रोल ऑफर किया है। तानाजी ने शिवाजी के साथ कई युद्ध लड़े थे। जाहिर है इस फिल्म में सैफ का किरदार भी काफी दमदार होगा। सैफ अली खान ने फिलहाल इस खबर को कंफर्म नहीं किया है। वो काफी समय से दो हीरो वाली फिल्में नहीं कर रहे हैं, लेकिन इससे उनका करियर आगे जाने की बजाय पीछे ही गया। अजय और सैफ ने पहले भी साथ में कच्चे धागे, एलओसी करगिल और ओंकारा जैसी फिल्में की हैं और दोनों के बीच काफी अच्छी ट्यूनिंग है। लिहाजा माना जा रहा है कि सैफ अजय देवगन के इस ऑफर को इनकार नहीं करेंगे। फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर को अजय देवगन काफी बड़े स्तर पर लगभग 160 करोड़ के बजट में बना रहे हैं और ये फिल्म सैफ के करियर के लिए भी गेम चेंजर हो सकती है। फिल्म में तानाजी की पत्नी का रोल अजय देवगन के रियल लाइफ वाइफ काजोल निभा सकती हैं। काजोल ने हाल में साउथ की फिल्म वीआईपी और हेलीकॉप्टर इला के साथ बॉलीवुड में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है और अब वो साल में कई फिल्में कर रही हैं। फिल्म के बाकी कलाकारों का ऐलान भी बहुत जल्द होने वाला है। इस फिल्म को अजय देवगन के साथ ही टी सीरीज के भूषण कुमार प्रोड्यूस कर रहे हैं और फिल्म का निर्देशन ओम राउत कर रहे हैं। ये फिल्म अगले साल 22 नवंबर को रिलीज की जाएगी। फ्रेंड्स, फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर में अजय देवगन, सैफ अली खान और काजोल की तिकड़ी को लेकर आप क्या सोचते हैं अपने कमेंट्स में जरूर दें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।